हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मुसीबतों के बीच घिरते ही जा रहे हैं। शमी की पत्नी ने उनके और परिवार के खिलाफ फौल दर्ज कराई है। बता दें कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें क्रिकेटर की माँ, बहन, भाई और भाभी का नाम शामिल है। शमी पर तो हत्या की कोशिश और उनके भाई पर बलात्कार का केस दाखिल किया गया है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने कहा कि उन्हें जानबूझकर अपने पति के भाई के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। हसीन जहां की लिखित शिकायत के अनुसार शमी और उनके परिवार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498(1)(323), गंभीर चोट 307, हत्या का प्रयास 376, बलात्कार 506, आपराधिक संतरास 328, जहर खुरानी 34, कॉमन इंटेंशन जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। याद हो कि शमी की पत्नी हसीन ने क्रिकेटर की फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप की चैट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसके बाद हसीन जहां ने यह भी कहा, मुझे कहीं से किसी से कोई मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी बात सामने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। फेसबुक ने मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों किया और मेरी इजाजत के बगैर सभी पोस्ट डिलीट क्यों किए। हसीन जहां ने यह भी बताया कि शमी का दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध है और इसी के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे। जहां ने कहा है कि शमी के परिवार वाले उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे थे। बकौल हसीन जहां, उत्तर प्रदेश में अपने घर ले जाकर शमी और उसके परिवार वाले मेरे साथ धक्का मुक्की करते थे, खाने में बहुत सारी चीजें मिला कर देते थे, मैं 2-3 दिन तक बेड से उठ नहीं पाती थी। शमी अपने बड़े भाई से कहता था कि मुझे वो मार कर जंगल में फेंक दे, आप उस तरफ है,